हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और फन फिल्ड है सो आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा सो so इस वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए जी ये क्लिप है सैटरडे की मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग गोविंद के साथ पम्पिन काव करने वाले हैं उसके स्कूल में लिटरेरी पम्प काविंग कॉन्टेस्ट है जिसमें हमें अपना पम्प काव करना है और टीचर को पिक्चर सेंड करनी है एंड बेस्ड ऑन द क्रिएटिविटी बच्चों को प्राइज मिलेगा और इट इज अ फन थिंग टू डू हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो लिटररी काविंग हमने नेट पे देखा क्या होती है तो बेसिकली कोई कोई भी भी थीम बेस्ड होती है जो भी बच्चे को कैरेक्टर पसंद है तो उसके बेसिस पे हमें करनी थी गोविंद को तो पॉपट रोल पसंद बहुत ज्यादा है तो हम लोग अपने पंपकिन पे मार्शल बनाने वाले हैं तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज देखी थी किस तरीके से पंपकिन को काव किया जाता है और एक वीडियो में मार्शल काव करना सिखाया हुआ था तो उसी वीडियो के बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रोसीजर करना तो ये प्रिंट आउट हमने इंटरनेट से निकाल लिया था विच वर्क्स एज अ स्टेंसिल तो हमने पहले प्रिंट आउट को अच्छे से पेस्ट कर दिया पंपकिन के ऊपर उसके बाद पिन से एज अ स्टेंसिल हमने मार्किंग्स कर ली और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसे काव करें पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया इट वॉज़ रियली फन थिंग टू डू अराउंड फोर आवर्स हमें पूरा प्रोसीजर करते करते लगे थे बट इट केम आउट रियली रियली ब्यूटिफुल सो ये देखिए ये है हमारा पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली काव किया गया था इसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी अंशुल की है उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है हम लोगों ने बिट्स एंड पीसेस में काम किया था गोविंद तो खड़ा होकर इन्जॉय कर रहा था कि हाँ मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं खैर बच्चे इन सब चीज़ों में बहुत इन्जॉय करते हैं एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी कि हमने ये कुछ नया ट्राई किया गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है संडे का दिन और हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर से निकले हैं विस्कॉन्सन साइड जा रहे हैं हम लोग आज फॉल कलर्स देखने का प्लान था तो हमने सोचा सोचासन जाते हैं क्योंकि वहां पे इलिनॉय से पहले फॉल आना फॉल कलर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आई वुड से वी वैन देयर अ वीक बिफोर इस वीकेंड अगर हम जाएंगे ना तो और ब्यूटिफुल फॉल कलर्स वहाँ पे आ चुके होंगे जब हम गए थे तो थोड़े कम थे बट स्टिल हमें थोड़े बहुत देखने मिले हमें अच्छा लगा देख के तो जितना मैं वीडियोस में कैप्चर कर पाई वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ बिस्कॉन्सन में एक होली हिल्स चर्च है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सुना है यहाँ से फॉल कलर्स बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं क्योंकि ये चर्च थोड़ा सा हाइट पे है और यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है सब लोग रेडी हैं जाने के लिए और यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले थे आज की ट्रिप के लिए और ये हमारी दो छोटी छोटी क्यूट एडिशंस हैं फैमिली की ये मेरा बेबी है जो अब फाइव मंथ्स का होने वाला है और वो मेरी फ्रेंड का बेबी है जो अभी टू मंथ्स का हुआ है और ये दोनों बेबीज भी अभी आते ही भूखे हो गए थे तो मैं घर से ना सैंडविचेस बना के लाई थी आलू पनीर के तो हमने सोचा पहले खा लेते हैं उसके बाद फिर आ, चर्च की तरफ निकलेंगे देखेंगे और मेरी फ्रेंड कह रही है कि ये सैंडविच बहुत ही लम्बी बनी है <laughs> और एक और फ्रेंड ने हम लोगों को ज्वाइन किया तो बस अभी हम लोग मिलके चलेंगे होली हिल चर्च यहाँ आने के बाद ना हमें लगा हम एक हफ्ता पहले आ गए क्योंकि फॉल कलर्स ना अभी पूरी तरह नहीं आए थे इस वीकेंड तक मुझे लगता है कि और ब्यूटीफुल फॉल कलर्स यहाँ पे दिख जाएंगे oh. अगर यहाँ पे प्रॉपर फॉल कलर्स आ चुके होते हैं ना तो पिक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल आती और वैसे भी आर्किटेक्चरल वाइज भी ये चर्च बहुत ब्यूटीफुल था मेरी फ्रेंड पहले भी यहाँ पर आई हुई थी तो उसने बताया था कि यहाँ पे फॉल कलर्स बहुत अच्छे आते हैं बट इस बार हम लोग एक हफ्ता पहले आ गए बट यार अब आने वाले वीकेंड पे तो करवा चौथ है और उसके बाद इतने सारे हमारे खुद के फेस्टिवल्स हैं तो कहाँ हम लोग ऐसे फॉल uh, कलर्स देखने के लिए निकल पाते हैं, तो चलो हमने सोचा इसी वीकेंड निकल जाते हैं खैर इनकी वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन आपको दिखाते हैं कि कितना फॉल कलर्स आ चुके हैं कितने नहीं तो आप वो देख के जरूर जाइएगा उसके बाद हमने सोचा ना कि थोड़ा आगे निकलते हैं नॉर्थ साइड में हमने ढूंढा एक कैटल स्टेट फॉरेस्ट तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो थोड़े और फॉल कलर्स देखने मिलेंगे रास्ते में तो ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल थी ड्राइव में हमें थोड़े कलर्स भी दिखे बट गूगल ने ना हमें रास्ते के बीच में खड़ा करके बोला दिस इज योर डेस्टिनेशन देन फिर हम लोग पासी में एक रिक्रिएशन एरिया था वहाँ पे स्टॉप बाय हुए और वो बहुत ब्यूटीफुल था आज मयूर भैया का बर्थडे भी है तो जब हम लोग घर से निकल रहे थे ना तो रास्ते से ही हमने केक भी ले लिया था और अभी रिक्रिएशन एरिया में हम लोग रुके हैं एक तो सीनिक बहुत था बहुत ही ज्यादा सरीन ब्यूटिफुल था तो हमने सोचा यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसके बाद सब मिलके लंच करेंगे सब लोग घर से कुछ कुछ बना के लेकर आए हैं

सो so, आज के लंच में है फ्राइड इडली जो मेरी फ्रेंड बनाकर लेकर आई थी ये बहुत ही टेस्टी थी और मुझे इडली खाना पसंद भी बहुत है तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और साथ में थे नूडल्स बच्चों के लिए कम स्पाइसेस वाले नूडल्स एक मेरी फ्रेंड लेकर आई थी और हमारे वाले नूडल्स में काफ़ी अच्छे से स्पाइसिस डले हुए थे तो बहुत टेस्टी बने थे बहुत इन्जॉय किया हमने एडमिस्ट ऑफ वेयर हमने ये रिक्रिएशन एरिया में भी बहुत इंजॉय किया एक तो इतना सीनिक इतना सेरीन था एंड साथ में कंपनी थी और अच्छा अच्छा खाना था तो और क्या चाहिए यार और वेदर भी बहुत अच्छा परमिटिंग वेदर था एक तो धूप थी हवा चल रही थी बट इट वॉज प्लेजेंट हम लोगों ने काफी इंजॉय किया और इसी एरिया में ना कुछ पेड़ पे फॉल कलर्स थे तो हमने यहीं पे बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली जस्ट टू यू नो मेमोरीज के लिए कि हाँ हमने भी फॉल कलर्स देखे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ फेस्टिवल ब्लॉग शेयर करूंगी करवा चौथ इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर सो आई विल शेयर एवरीथिंग एंड दिवाली रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे हालाविन रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा बिकॉज वहां पे भी मैं आप लोगों के साथ रील्स शेयर करूंगी और ये देखिए यहाँ पे कुछ पेड़ हैं जो अपना कलर चेंज कर चुके हैं सो हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की तो दोस्तों ये क्लिप है मंडे की कल हम लोगों ने नूडल्स खाए थे तो मंडे को भी मन करने लगा कि नूडल्स खाए जाएं तो हम लोग लंच में नूडल्स बनाने वाले हैं और जब भी आप चाइनीज़ कुकिंग करते हैं ना तो मेक श्योर sure कि आपकी सारी चीज़ें एकदम रेडी हो क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग ज़्यादा टाइम नहीं देती बहुत हाई फ्लेम कुकिंग होती है तो हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ जो भी वेजीज हमें डालनी है नूडल्स के अंदर वो चॉप करके रख ली है साथ में सोया सॉस के अंदर ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा हर्ब्स मिक्स करके रख लिये हैं उसके बाद अच्छे से गार्लिक

उसके बाद जब सब्जियां हो गई थोड़ी सी क्रंची उसके बाद हमने नूडल्स ऐड कर दिए और सोया सॉस का मिक्सचर ऐड कर दिया बस अच्छे से मिक्स कर लिया और लास्ट में इसमें Uh, दो टी स्पूस के अराउंड uh, चिली विनेगर ऐड किया था सिंपल होते हैं नूडल्स बनाने जैसे भी आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे क्यूरेट कर सकते हो रिसेंटली हम लोग काफ़ी बार हॉट एंड सार सूप भी बना चुके हैं तो मैं किसी कमिंग ब्लॉग में आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी क्योंकि अभी विंटर्स आ गए हैं सो so आप लोगों को भी सूप पीना अच्छा लगेगा सो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दैट आई विल डेफिनेटली शेयर इन माई अपकमिंग वीडियोज़ So, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था छोटी सी स्वीट शॉर्ट वीडियो थी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए शेयर करना भी जरूरी है और कमेंट सेक्शन में तो आपको जरूर अपने कमेंट्स छोड़ने बिकॉज आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स अपकमिंग ब्लॉग्स होंगे सारे फेस्टिवल रिलेटेड करवा चौथ दिवाली एंड इवन हैलोवीन आई विल शेयर हाउ वी सेलिब्रेट हैलोवीन हेयर सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आर फैमिली मेक श्योर दैट यू हैव हिट द बेल आइकन एंड मैं आपको मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो मुस्कुराते रहो एंड अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा एंजॉय करो लाइफ इज टू शॉर्ट टू रिग्रेट अबाउट एनीथिंग जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी इफ़ यू आर हैप्पी गॉड मेक श्योर दैट यू स्टे हैप्पी सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज टेक केयर बाय